के एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आज बहुत नाराज थी और मैं इतने सस्ते में मारने वाले लोगों में से हूँ नहीं, इसलिए आज मैंने मम्मी को मोटी चंटी लगवा दी है कि चलो टिम हॉर्टन्स चलते हैं, वहाँ की कॉफी का रिव्यू भी करके आएंगे और इस बहाने मेरी एक छोटी सी डेट भी जाएगी। तो गाइस ये वाली वीडियो जो है वो एक रियल रिव्यू होने वाली है टिम हॉर्टन्स की, कि कैसा क्या टेस्ट रहता है, कैसा क्या क्या प्राइसिंग है और कैसा क्या है, और हाइप तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ये जो टिम हॉर्टन्स है ये खुला है लैंटे मॉल में अभी कुछ दो हफ्ते पहले, तो चलते हैं और रिव्यू करते हैं। और ये इंडिया का आई थिंक सेकंड टिम हॉर्टन्स है, फर्स्ट जो खुला था नहीं, नहीं, गुड़गांव। नहीं, नहीं, सेकंड नहीं है, पहला दिल्ली खुला था, सेकंड गुड़गांव, थर्ड। ओके ठीक है, तो हम यहाँ का रिव्यू करने जा रहे हैं, घर से पास भी ज्यादा दूर भी नहीं है और इस बहाने ये कि घूम भी आएंगे हम लोग और भाई भी आया हुआ है तो उसको भी लैंटे मॉल दिखा लेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं पीते कनाडा वाली कॉफी टिमी। सो गाइज हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल। एंड एक कौन से फ्लोर पे आपको पता है? ग्राउंड पे लग रहा है। ग्राउंड पे नहीं, आई थिंक यहाँ पे जो फूड कोर्ट है वो थर्ड फ्लोर पे है। नहीं मैंने देखा था उसमें ना आउटसाइड सीटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जब मैंने मैप्स पे वीडियोस वगैरह देखी थी ना। ओके तो वीडियो कह रहा हूँ, फोटोज वगैरह देखी थी तो वहाँ पे बाहर की तरफ ने सीटिंग बना रखी है और एक स्टोर गाइस इट्स वेरी एम्बैरेसिंग एक्चुअली, हम टिम हॉर्टन्स आ गए हैं बट यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है पीछे, तो लाइन में लग के चीज लेना इट्स नॉट माय कप ऑफ टी एक्चुअली। अब तुम लोग बताओ तुम्हें लाइन में लगना है तो देख सकते हो। भाई मैं लग जाऊंगा, इधर आओ, उधर लाइन चल रही और यहाँ पे कोई शो भी चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आई थिंक कोई शो है, मनमीत लाइन में लग गया है। अरे अंदर जाने की लाइन है, अंदर तो दुगनी भीड़ है, अंदर काफी आप लोग देख सकते हो काफी भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो शो चल रहा है यहाँ पे अभी युवराज सिंह और हार्दिक संधू आने वाला है तो हम लोग वो भी इंजॉय कर लेंगे। एक तीर दो निशाने होंगे एक्चुअली आज। ऑर्डर दे दिया है और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और इन्होंने हमें एक बजर दिया कि ये बजाएंगे, 26 नंबर है इस पर, कि ये बजाएंगे, जब ये वाइब्रेट होगा तब आपको अपना अंदर आ जाना है ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। तो ये मेरे को बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट लगा, आई लाइक ये। मैंने दुबई की किसी वीडियो में देखा था कि दुबई में जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ देते हैं, तो काफ़ी अच्छा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। तो वेट करते हैं रिटर्न का और आते हैं फिर अपना। हमारा ऑर्डर आ गया है तो कैसा लग रहा है? हाउ इज द ऑर्डर? सो गाइस लेट्स टेस्ट द स्ट्रॉबेरी शेक नाउ एंड विल टेल यू हाउ इट इज। कॉफी के लिए बोलना चाहूँगा, स्ट्रॉबेरी शेक के लिए नहीं, कॉफी के लिए वर्थ द हाइप। तो गाइस कॉफी वगैरह कंप्लीट हो गई और शाम का व्यू बहुत ही बढ़िया हो गया, यहाँ पे पार्टी वाला माहौल है और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं, तब से लगे हुए हैं, अब तक चंडीगढ़ की गेड़ियाँ ही मार रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं रुक सकते और देर क्योंकि मुझे शादी में जाना है, मेरे कल की शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों से। तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं
क्योंकि लेट हो जाएगा अगर शादी में जाने के लिए, तो निकलते हैं। बाकी शाम बहुत सुहानी हो रखी है, चलो चलते हैं, कोई ना फिर मिल लेंगे। सो गाइस इट्स टाइम टू बी देसी, बहुत हो गया है टोरंटो की कॉफ़ी, कनाडा की कॉफ़ी, अब मेरे को पीना है नारियल पानी क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं वैसे जनरली पीती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, जस्ट स्किन ग्लो के लिए। और अशोक तूने पीना है? ना। ऐसे लड़कों को जरूरत नहीं होती स्किन ग्लो की, सिर्फ मेरे लिए है। तो गाइस वी हैव फाइनली रीच द होम और अभी बात करते हैं अपने टिम हॉर्टन्स के रिव्यू पे। तो टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी हमें काफ़ी पसंद आई, अगर बात करें हम उसी कोल्ड कॉफ़ी की और जो प्रॉपर सी कॉफ़ी है तो उसका टेस्ट हमें बिल्कुल पसंद आया। मतलब ये बोलते हैं ना कि हाइप की बात करते हैं, तो ये वर्थ द हाइप था। और जो उसके शेक्स वगैरह थे वो इतना पसंद नहीं आया, उन्हें इतनी ज़्यादा आइस आइस मतलब आइस डाली हुई थी तो इतना पसंद नहीं आया। तो ये था आज का रिव्यू, मतलब हम दोबारा जाना चाहेंगे अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो टिम हॉर्टन्स। तो यस, लेकिन सिर्फ कॉफी के लिए, नॉट फॉर शेक्स। शेक्स एक्चुअली स्टारबक के ज्यादा अच्छे हैं अगर मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने स्टारबक के शेक्स भी ट्राई किए हुए हैं। और अभी हम लोगों को जाना है एक वेडिंग में जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक